तो अब हमारी शुरू हो गई है स्पीड बोटिंग। रात का समय है और बढ़िया से स्पीड बोटिंग अभी शुरू होते हुए। हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष अग्रवाला और आज मैं जा रहा हूँ दुर्गम चेरुवु लेक, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है हैदराबाद का। और राइट नाउ मैं उतरा हूँ एक सिटी एरिया में जो कि है माधवपुर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस आईटी हब है हैदराबाद का। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि व्यू, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का, वो आप मेट्रो का जो रोड देख सकते हैं ऊपर, और ये रहा फ्लाईओवर जो कि काफ़ी अमेजिंग है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा दुर्गम चेरुवु लेक, पैदल ही जाऊँगा और वहाँ पर जाके आपको अपडेट करूँगा पूरे श्रीनगर के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। आप अभी देख सकते हैं मेरे सामने जो है बड़ी बड़ी ग्रेनाइट रॉक्स। तो हम पहुंच चुके हैं ये जो ग्रेनाइट रॉक्स के सामने, और मेरे दोनों तरफ जो ग्रेनाइट रॉक्स है, और मैंने सुना है कि इसी के सामने जो है लोकेटेड है दुर्गम चेरुवु लेक। भाई लोग, मैं पहुंच चुका हूं दुर्गम चेरुवु लेक के सामने, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वही है दुर्गम चेरुवु लेक। और ये रहा हमारा पूरा जो दुर्गम चेरुवु लेक के बाहर का जो एरिया है वो ये रहा, जो 360 डिग्री व्यू। और वो रहा हमारा केबल ब्रिज, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मुझे पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम जाएंगे उस टिकट सेंटर को, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ओरा टिकट सेंटर, वहाँ से टिकट लेंगे। और वहाँ पर मैं मिलाऊंगा बहुत ही खास इंसान से, जिससे कि मैं लास्ट टाइम मिला था। तो चलिए चलते हैं। तो भाई लोग, हम पहुँच चुके हैं दुर्गम चेरुवु के गेट के आगे, और यहाँ पर हम ये देखिए, ये रहा हमारा टिकट काउंटर, जहाँ पर लिखे हुए हैं 4 PM टू 8:30 PM, और अभी टाइम हो रहा है करीबन 3:30 PM। तो टिकट्स के लिए हमें और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमें टिकट्स मिलने वाले नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर आ ही गए हैं तो आधा घंटा और वेट कर लेते हैं। तो गेट के ठीक सामने हमें मिल गया ये बोर्ड, जो कि तेलंगाना पुलिस का एक इनिशिएटिव है। इस बोर्ड में आप साइन कर सकते हैं एज ए अवेयरनेस फैलाने के लिए और तेलंगाना को ड्रग फ्री करने के लिए। तो मैंने भी कर दिया है यहाँ पे साइन, और ये पुलिस साहब भी सबको बुला रहे हैं साइन करने के लिए। तो भाई लोग, हाँ आ चुके हैं दुर्गम चेरुवु पार्क के अंदर, और ये ले ली है मैंने टिकट, जो कि मुझे पड़ी 10 रुपये की। और यहाँ पर मैं मिलाता हूँ आपको मेरे बड़े ही खास दोस्त से, जो कि है आसाम से। सो मनोज दा, हेलो, मीट मनोज दा फ्रॉम आसाम। वो कर रहे हैं यहाँ पर सर्विस करीब 13 ईयर्स से। तो ये मुझे मिल गए रंजूरा, जो कि आसाम से हैं। और यहाँ से हम चलते हैं अब अंदर। ये है हमारा पूरा बाहर का जो व्यू, ये व्यू है हमारा पूरा प्लेन्स का। यहाँ पे जो अलग अलग जो प्लेन्स है वो प्लान किए हुए हैं। तो अंदर घुसते ही हमें मिल जाता है ये बोर्ड, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे करने के लिए एक्चुअली है क्या हमारे पास, जैसे कि एकदम फर्स्ट योगा कॉर्नर है, देन प्ले एरिया, इमर्शन टैंक, साइकिल पार्किंग, टॉयलेट्स एंड देन एग्जिट। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये पूरा ये रोड है, ये रोड पूरा जो दुर्गम चेरुवु लेक है उसको राउंड करके, जो केबल ब्रिज है उसको पूरा राउंड करके उस तरफ से इधर से ऐसे निकलती है। तो काफ़ी लंबा रोड रहता ही है, जिसमें कि लोग वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, देन बहुत लोग जॉगिंग करने के लिए भी आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए भी आते। तो ये लेक करीबन 63 एकर्स लैंड में कवर्ड है, और आपको यहाँ पर जो ये केबल ब्रिज दिख रहा है, ये केबल ब्रिज कनेक्ट करती है जुबली हिल्स और माधवपुर सिटी को। तो जुबली हिल्स और माधवपुर सिटी को ये जो केबल ब्रिज है वो कनेक्ट करती है। और ये जो आपको पूरा लेक का पानी दिख रहा है, ये कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पर जो गोलकोंडा फोर्ट था उसको पानी प्रोवाइड करता था, सप्लाई करता था। अच्छा, हम बढ़ जाते हैं आगे यहाँ पर लेक के इसी रोड पर। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी कुछ बड़ी MNC कंपनीज जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। क्यों, हम जानते हैं कि जो माधवपुर है, जो वो है MNC कंपनीज का हब, यहाँ पर आपको बहुत सारी MNC कंपनीज मिल जाएगी। और वो आप देख सकते हैं जो कि NCC जो कंपनी है, बड़ी कंपनी है MNC, वो यहाँ पर प्रेजेंट है।
और यहाँ पे आप इनोविट भी देख सकते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है हैदराबाद का। तो ये बड़ी कंपनीज का जो बिल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया व्यू ये दे देती है पूरे दुर्गम चेरबू लेक को। यहाँ पर हम लोग जाते हुए इस जो पार्ट के बाहर, इस पार्ट के बाहर निकलने से हमें मिल जाएंगी जो बोट्स एंड अलग अलग सर्विस की जो टिकट काउंटर्स है वो। तो चलिए चलते हैं बाहर। और यहाँ पर हमें एक मनमोहक व्यू मिलते हुए यहाँ पर, जो कि एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का जो एरिया है, इसके जो साइडवेज है आप ऐसे साइडवेज घूम के जा सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया प्लेस है। तो ये रहा हमारा दुर्गम चेरबू लेक का सेकेंड गेट, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें टिकट काउंटर जहाँ पर लगी है भारी भीड़। और यहाँ पर आपको अलग अलग टिकट्स मिल जाएगी, जैसे कि स्पीड बोट, डेल्यूक्स बोट, डेल्यूक्स चाइल्ड बोट, डेल्यूक्स एडल्ट बोट का आपका 50 रुपीज़ और स्पीड बोट का चार पर्सन्स के साथ 400 रुपीज़। तो यहाँ पर लगी है भारी भीड़ टिकट काउंटर पर। और यहाँ से अगर हम लोग अंदर चले तो वहाँ पर हमें मिल जाएगी हमारी डेल्यूक्स बोट। और भाई लोग, अब हमने ले ली है टिकट जो कि हमारी पड़ी 50 रुपीज़ की, और अब हम जाएंगे डेल्यूक्स बोट के अंदर। पर यहाँ पे लगी है भारी भीड़ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और वो खड़ी हमारी डेल्यूक्स बोट काफ़ी दूरी पर। ये ले ली है हमने डेल्यूक्स बोट की जो टिकट है जो 50 रुपीज़ की पड़ी हमारी, और ये खड़ी हमारी डेल्यूक्स बोट जिसमें कि अभी हम चढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू हो गई है हमारी इस डेल्यूक्स बोट, जो कि आगे जाते हुए केबल ब्रिज के नीचे, और वो जा रही है हमारी स्पीड बोट। और ये हम चल फिरे जो कि केबल ब्रिज के नीचे के तरफ, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए, वो रहे हमारे ड्राइवर भैया ड्राइविंग करते हुए। तो यहाँ पर जो है गाना शुरू हो गया है, और जल्द ही लोग डांस भी करेंगे मुझे लगता है, मैं भी ज्वाइन करूंगा उन्हें। ये देखिए मेरे साइड का जो व्यू हम वो जो केबल ब्रिज है उसको पास करते हुए शुरू हो गया है, और ये रहे हमारे ड्राइवर भैया। నువ్వు కూడా వదిన హాయ్ చెప్పు
यहाँ पर हमारे डेल्यूक्स जो राइड था वो खत्म होते हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि मनमोहक जो ब्यूटीफुल व्यू है जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने डांस भी किया इन भैया के साथ, तो काफ़ी मज़ा आया। आपका क्या नाम क्या है भैया? श्रीनु। श्रीनु, तो काफ़ी मज़ा आया डांस करके। हालांकि किसने ज्वाइन नहीं किया? फरीद सो के। तो फिर मिलेंगे। तो यहाँ हमारी ख़त्म होती है डेल्यूक्स वर्ल्ड की राइड, जो कि बड़ी ही मज़ेदार थी। हमने डांस वगैरह गाकर, गाना वाना गाकर, चिल्ला कर पूरा मचा दिया स्टेज पर। तो अब हमारा हो गया है समय बाहर जाने का, और जाकर देखते हैं आखिर करने को और है क्या। तो अब हम चल दिए इस रोड के आगे, और इस रोड से आगे जाने पर हमें मिल जाएगा ये केबल ब्रिज, जो कि काफ़ी मेसमराइजिंग लग रहा है यहाँ व्यू। और यहाँ से हमें काफ़ी फैंटेस्टिक व्यू दिखते हुए पूरे दुर्गम चेरबू लेक का, जो कि आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। वो रही खड़ी हमारी डेल्यूक्स बोट, और वो रहे हमारे सारे बड़े एमएनसीस। और ये भाई अपनी सेल्फी लेते हुए। तो ये जो केबल ब्रिज है, ये कनेक्ट करती है जुबली हिल्स और माधवपुर को। और जब रात होता है, जब नाइट का टाइम होता है, तब ये जो आप पिलर देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया लाइटिंग शुरू हो जाती है। कुछ इंडियन फ्लैग और अलग लाइटिंग शुरू हो जाती है, तो वो जो नाइट का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी मनमोहक होता है, काफ़ी मज़ेदार होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नाइट तक रुक जाओ यहाँ पर, ताकि वो नज़ारा मैं देख पाऊँ और आपको भी दिखा पाऊँ। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास करने के लिए है क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोटिंग, जो कि आप जानते ही हैं, जो डेल्यूक्स बोट में हमने राइड किया वो हो गई डेल्यूक्स बोट। बाद में स्पीड बोटिंग हो गया, फिर कायाकिंग, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा। फिर SUV बोल के एक रहता है, वो भी हो जाता है, और पेडलिंग बोट भी रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। और चलिए पूछते हैं भैया को कि अभी कायाकिंग की जो सर्विस है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो ये वाला एरिया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला एरिया हो गया वाटर स्कूल, जहाँ पर कि अलग अलग जो सर्विस रहती है, कायाकिंग, देन SUP, देन सेलिंग, ये सब यहाँ पर अवेलेबल रहती है। और ये जा रही है हमारी स्पीड बोट, पर वो स्पीड बोट जाती है उधर से, यहाँ पर रहती है ये सब सर्विस, कायाकिंग, सेलिंग और SUP। और चलिए चल पूछते हैं भैया से कि यहाँ पे क्या क्या सर्विस अवेलेबल है। भैया पे कायाकिंग है क्या अभी? कायाकिंग एट प्रेजेंट नॉट अवेलेबल। एट प्रेजेंट नॉट अवेलेबल। 6:30 बुकिंग क्लोज। 6:30 बुकिंग इन द मॉर्निंग और व्हाट? इवनिंग और इवनिंग क्लोज। ओ क्लोज्ड, स्टार्ट एट 7। ओके, 7 टू 7 वी आर अवेलेबल। एंड SUP? SUP मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम ओनली, नॉट इवनिंग। एंड सेलिंग? सेलिंग बिलो 15 इयर्स। बिलो 15 इयर्स। ओके, एंड व्हाट आर द चार्जेस ऑफ दिस कायाकिंग एंड SUP? 500 पर पर्सन, 30 मिनट्स बोट ना। एंड इन वन कायाकिंग बोट हाउ मेनी पर्संस कैन सिट? 2 पर्सन विल बी देयर एंड वन इंस्ट्रक्टर। ओके ओके, थैंक यू फॉर दैट। अभी हो गया है शाम का समय, करीबन बज गए हैं 5:30-6। और यहाँ पर और भी जमती हुई, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ जमती हुई अभी भी। तो इस टाइम पर क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर विजिट करते हैं इस दुर्गम चेरबू पार्क को। तो ये देखे हम फिर से आ गए इस डेल्यूक्स बोट के सेक्शन में शाम के टाइम पर, और शाम के टाइम पर यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ होती हुई, पूरे क्राउड्स में लोग रुके हुए हैं डेल्यूक्स बोट के लिए, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो यही होता है शाम के टाइम पर। तो कोई बात नहीं, हमने तो राइड कर लिया डेल्यूक्स बोट की, पर हमें करना है अभी राइड स्पीड बोट की, जिसकी टिकट हमें मिलेगी 40 मिनट्स बाद। तो कोई बात नहीं, हम अभी दुर्गम चेरबू के एक राउंड मार के आएंगे उधर से, उधर से राउंड मार के हम टिकट ले लेंगे, टिकट लेके फिर हम करेंगे स्पीड बोटिंग। सो लेट्स गो। तो भाई लोग, अभी हो गया है शाम का समय, और ये जो पूरा दुर्गम चेरबू पार्क है, शाम के समय पर और भी ज़्यादा इसका व्यू मेसमराइजिंग होते हुए। ये हो गया हमारा केबल ब्रिज, जो कि हमारे ऊपर साफ साफ खड़ा हुआ है, और इस शाम के समय पर और भी ज़्यादा मेसमराइजिंग, काफ़ी सुंदर होते हुए पूरे दुर्गम चेरबू का व्यू है। पूरे लेक में अभी काफ़ी हलचल है लोगों की। तो चलिए चलते हैं आगे। तेरी अदा अदा
पे मरता मैं वफा वफा सिकरता क्यों हदों से हूँ गुजरता मैं जरा 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 तुम तो वो दोनों बोट एक साथ जाती हुई कितनी प्यारी लग रही है पूरे इतने बड़े सागर में। तो बहुत ही प्यारा व्यू हमें यहाँ पे मिलते हुए इस दुर्गम चेरुवू लेक का। तो अब चलिए चलते हैं आगे। तो भाई लोग अभी हो गया है करीबन टाइम 7:10 और वो देखिए वो जल गई है केबल ब्रिज की लाइट्स जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। जो इंडियन फ्लैग है वो हमें दिखाते हुए उसके पिलर पर और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे यहाँ से होते हुए जो कि बैक साइड ऑफ द दुर्गम चेरुवू लेक है। हम वहाँ से मूव करके आए उस रोड से मूव करके आए इस बैक साइड तक और यहाँ से हमें ये व्यू देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी फैंटास्टिक काफ़ी अमेजिंग व्यू मिल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से चलते हैं आगे जो कि एग्जिट की तरफ। और यहाँ पर आने पर हमें मिल गया ये एक प्लेटफॉर्म जहाँ से इस दुर्गम चेरुवू लेक का पूरा जो व्यू दिखाई पड़ रहा है इस जगह से आपको जो पूरा व्यू है वो दिखाई पड़ जाएगा। जो नाइट के टाइम पर आपके बिल्डिंग्स में लाइट जलती हुई केबल ब्रिज में लाइट जलती हुई उनका रिफ्लेक्शन इस वाटर में पड़ते हुए तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है पूरा कॉम्बिनेशन और भी सुंदर बनाते हुए पूरे जो माहौल है तो काफ़ी ब्यूटीफुल जो सीन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से चलते हैं हम आगे और भी आगे। ये जो एरिया है ये हो जाता है जो बोटिंग क्लब है बोटिंग प्लॉट के एकदम ऑपोजिट पे ये एरिया हमें मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया एरिया है यहाँ पे आपको पूरा जो व्यू है वो मिल जाएगा। और तो चलिए चलते हैं आगे और भी। ये देखिए लोग रनिंग करते हुए जॉगिंग करते हुए पहुंच गए हैं एग्जिट के काफी पास। और यहाँ से देखिए ये केबल ब्रिज को क्या बढ़िया व्यू मिल रहा है केबल ब्रिज का। वो खड़े लोग वहाँ पर केबल ब्रिज के साइड वेस्ट में वहाँ पर भी कुछ जगह है जहाँ पर आप रुक सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं। काफी बढ़िया व्यू मिलते हुए यहाँ पर केबल ब्रिज का दोनों टावर्स काफी बढ़िया से यहाँ पर लाइटिंग होते हुए। तो यहाँ से चलते हैं आगे और वहाँ पर रहेगा हमारा एग्जिट। कुछ हाउस जैसा कुछ मिल गया जो कि मुझे लग रहा है कुछ गेस्ट हाउस वगैरह रहेगा। और यहाँ से देखिए केबल ब्रिज के नीचे का व्यू जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे गिर रहा है काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। तो इसे हम पास करते हुए अभी चले आगे। तो अभी करीबन टाइम हो गया है 8 और अभी जो कि डिलक्स बोट जो है वो लास्ट जो ट्रिप है वो जाने वाली है वो भी बंद होने वाली है। और ये जो कंडक्टर है वो बुला रहे हैं सबको ताकि लास्ट जो ट्रिप है उस पर कोई अगर चढ़ना चाहे तो चढ़ सकते हैं। और वो रही हमारी जो लास्ट ट्रिप वाली जो बोट है वो निकल पड़ी अभी तो हम भी रुके हुए स्पीड बोटिंग के लिए। तो भाई लोग अभी करीबन बज चुके हैं 8:30 और हम करने जा रहे हैं स्पीड बोटिंग। और क्योंकि मैं सिंगल था तो मैं ढूंढ रहा था 3 लोग ताकि क्योंकि स्पीड बोटिंग में चाहिए आपको 4 लोग और मैं सिंगल हूँ और अकेले मुझे 3 लोग जो थे वो मिल गए पीछे। तो भैया आपका नाम क्या है? वेंकटेश। विनोद। तो इनके साथ मैं करने जा रहा हूँ स्पीड बोटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो हम रेडी है अभी स्पीड बोटिंग के लिए। हाँ जो नेक्स्ट ट्रिप रहेगी वो हमारी रहेगी। ये आ गई स्पीड बोट जिससे कि लोग उतरेंगे और इस पर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। तो अब हमारी शुरू हो गई है स्पीड बोटिंग। रात का समय है और बढ़िया से स्पीड बोटिंग अभी शुरू होते हुए। तो भाई लोग मैं आपको जो केबल ब्रिज दिखा रहा बार बार उस दुर्गम चेरुवू लेक से वो उसी केबल ब्रिज में अभी हम लोग जाते हुए
और ये भाई लोग के साथ हम जाते हुए जिसके साथ मैं स्पीड बोटिंग किया अभी उनके वजह से ही मैं स्पीड बोटिंग कर पाया क्योंकि मुझे चाहिए थे 3 लोग और मैं सिंगल था तो मुझे इनसे पूछने पर मुझे स्पीड बोटिंग करने का मौका मिल गया। तो भाई लोग आप लोग का नाम बता दीजिए एक करके। वेंकटेश तिरुपति तिरुपति मंदिर अच्छा भगवान विनोद। तो इन भाइयों के साथ अभी मैं जाते हुए केबल ब्रिज के ऊपर, ये पीछे देख सकते हैं केबल ब्रिज मेरे पीछे, और यहाँ से जो कि आप दुर्गम चेवूर लेक का जो व्यू देख सकते हैं पूरा, क्या मजेदार व्यू यहाँ पे होते हुए, जो बिल्डिंग्स वगैरह देखिए पूरी लाइटिंग्स, सो काफ़ी बढ़िया व्यू होते हुए यहाँ से। तो चलिए चलते हैं आगे। आ चुके हैं केबल ब्रिज के ऊपर और केबल ब्रिज जो है उसका जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर व्हीकल्स जाती है और उसके साइड में जो जगह है वो है साइड वॉक के लिए, तो उसमें जो है लोग वॉक कर सकते हैं या साइड पे रुक के जो ये दुर्गम चेलुवू लेक है उसका व्यू का मजा ले सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि मज़ेदार व्यू यहाँ पे होते हुए पूरे दुर्गम चेलुवू लेक का, ये बड़ा जो लेक का जो लाइटिंग्स वगैरह है जो बिल्डिंग की लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हुए और वो जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन और भी बढ़िया बनाते हुए पूरे माहौल को। और ये रही हमारी जो टावर है केबल ब्रिज की। तो भाई लोग अभी हम हैं केबल ब्रिज के ऊपर और देख लीजिए कहाँ पे बैठे हुए हम लोग, ये हो गया हमारा साइड वे जहाँ पे लोग चलना फिरना करते हैं, ये हो गया साइड वे और ये हो गया जो व्हीकल मूव करने का जगह है और इसके बीच में हम लोग बैठे हुए हैं चारों लोग, काफ़ी बढ़िया व्यू मिल रहा है यहाँ से। ये रही हमारी केबल ब्रिज हमारे ऊपर ही है और ये साइड में हमारा जो रोगन चेरू लेक है वो पूरा आप देख सकते हैं। तो भाई लोग कैसा लग रहा है कुछ बता दो। मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे पहले आए कि आप लोग? हाँ बहुत बार आप गाड़ी आगे गाड़ी आगे इधर से घूमते रहते डेली। अच्छा मेरा पहली बार आ रहा हूँ तो बड़े मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और जो दुर्गम चेरू लेक है वो भी अभी फ़िलहाल बंद हो गया होगा क्योंकि जो टाइमिंग था वो करीबन 9 to 9:30 रहता है और अभी करीबन 9 बज चुके हैं तो इसके भी बंद होने का टाइम हो गया है। तो इसी के साथ ये जो हमारा पूरा दुर्गम चेरू का जो एक्सप्लोरेशन था वो ख़त्म होता है। काफ़ी मज़ा आया, लगभग हमने सारी चीज़ें कर ली, मर्केंटाइल बोटिंग कर ली, स्पीड बोटिंग कर ली और जो साइड में जो अलग अलग जो शॉप्स थी वो सब भी एक्सप्लोर कर ली। सो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोस। बाय 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 ब्रो, बाय बाय।